बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। आज हम ट्रेजिक प्लॉट को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। तो आज की डिस्कस होने वाली चीज़ें हैं, व्हाट इज़ प्लॉट, डिफरेंस बिटवीन प्लॉट एंड स्टोरी, ऑर्गेनिक यूनिटी, एपिसोडिक प्लॉट, पार्ट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्लॉट विच आर पेरिपिटी एंड इग्नोरेसिस, हमार्शिया एंड सफरिंग। और फिर हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ प्लॉट जो कि हैं कॉम्प्लिकेशन एंड डिनोमेंट। और उसके अलावा हम बात करेंगे अरिस्टोटल ने ड्रामेटिस्ट के बारे में क्या कहा। अकॉर्डिंग टू हिम ड्रामेटिस्ट इज़ अ पोइट, और उसकी प्रेफरेंस उसमें क्या थी, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। प्लॉट के बारे में अरिस्टोटल ने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कही जाती है वो ये है कि अरिस्टोटल ने कहा था प्लॉट इज़ द वेरी सोल ऑफ ट्रेजेडी। एक जिस्म में रूह की जो अहमियत होती है वैसे ही ट्रेजेडी में प्लॉट की अहमियत है, और इसीलिए इसने प्लॉट को लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही कंपेयर किया। अरिस्टोटल ने उसने कहा कि जिस तरह एक इंसानी जिस्म में डिफरेंट ऑर्गन्स अपना एक काम कर रहे होते हैं, हर ऑर्गन हैज़ इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस, उसी तरह प्लॉट में हर जो एक एपिसोड होती है और हर इंसिडेंट और इवेंट जो हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें उसने कहा कि जिस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, हर ऑर्गन ने जैसे किसी का काम है, हार्ट का काम है ब्लड सप्लाई करना, ब्रेन का काम है सारे फंक्शंस को देखना, ठीक है, मैनेज करना, स्टोमिक का काम है डाइजेशन करना, ठीक है, इसी तरह ये सारे काम जो हैं वो हर इवेंट जो है वो कनेक्टेड होता है, और ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो हमारी वेंस और मसल्स के थ्रू कनेक्टेड हैं आपस में। एक ऑर्गन भी काम करना छोड़ देगा तो इंसान का जिस्म जो है वो मफलूज हो जाएगा या कोई काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, इंसान जो है वो उसमें वो चीज़ नहीं रहती, ठीक है, मुकम्मल नहीं रहता। उसी तरह एक ट्रेजेडी में अगर हर इंसिडेंट और इवेंट आपस में कनेक्टेड नहीं है, या किसी भी इंसिडेंट या इवेंट को निकाल दिया जाए, तो फिर वो क्या होगा, वो प्लॉट जो है वो डेफिनेट नहीं रहेगा, वो डेफिनेट शेप में नहीं रहेगा, और वो उस तरह वर्क नहीं करेगा जैसे एक हर इवेंट जो है वो कनेक्टेड होगा और उसमें कहानी में डाला जाएगा तो वो काम करेगा। ठीक है, उसने कहा है कि अरिस्टोटल कॉल्स फॉर द सेम यूनिटी इन अ प्लॉट एज इज़ फाउंड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसमें प्लॉट की हम अगर डेफिनेशन देखते हैं तो उसने प्लॉट की डेफिनेशन अरिस्टोटल ने बताई है, द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स इन सच अ मैनर दैट दे अनफोल्डेड अ स्टोरी ग्रेजुअली एंड मेड अ होल व्हेन कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, और ट्रेजेडी के बारे में हमने पहली बात कर ली थी, ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कम्प्लीट, राइट। अच्छा, अगर हम स्टोरी के बारे में बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है प्लॉट और स्टोरी में, तो प्लॉट और स्टोरी का डिफरेंस ये है कि स्टोरी कुड ईजिली बी अ शेपलेस एंड अनऑर्गेनाइज्ड थिंग एंड इट कैन बी टेकन फ्रॉम एनी सोर्स। ठीक है, स्टोरी जो है वो शेपलेस होती है एंड अनऑर्गेनाइज्ड होती है। जैसे जब कोई कहानी लिखी जाती है, जैसे जब कोई फिल्म वगैरह बनाई जाती है, तो एक सिर्फ जो है वो स्टोरी बताई जाती है, एक थीम कि ऐसे ऐसे एक लड़का होगा एक लड़की होगी, वो उनके दरमियान जो है वो किस तरह से उन्होंने मिलना है और क्या कॉम्प्लिकेशन होनी है, और उसके बाद उन्होंने मिलना है, जुदा होना है, मरना है, वट एवर द एंड इज़। ठीक है, दैट इज़ दी स्टोरी। ये एक शेपलेस चीज़ है, इसमें इंसिडेंट और इवेंट्स को कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया गया कि क्या चीज़ पहले होनी है और क्या चीज़ बाद में होनी है। अब जब मूवी बनाई जाती है, उसकी जो ड्रामा कोई बनाया जाए, ये मूवी बनाई जाए, तो उसमें क्या करता है जो प्लेराइट होता है, वो करता ये है कि वो उसको करता है, ये हमारा प्लॉट होगा, मतलब अब प्लॉट जो है वो बाद में तश्कील दिया जा रहा है। स्टोरी एक शेपलेस चीज़ थी और प्लॉट जो है एक डेफिनेट फॉर्म में है, एक ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट है इवेंट्स और इंसिडेंट्स की कि वो अनफोल्ड करे स्टोरी को ग्रेजुअली। ठीक है, और क्या करना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, टू अराउज पिटी एंड फियर इन दी ऑडियंस। अब प्लॉट जो होता है उसमें चीज़ों को एक डेफिनेट फॉर्म दी जाती है कि कौन से इंसिडेंट और इवेंट दिए जाने, जिस तरह हम किसी स्टोरी में देखते हैं कि कोई जो है वो अभी जवानी से शुरू हुई है, वो जवानी में बैठा अपने बचपन की बात से याद करके वो यहाँ तक लेकर आएगा अपनी जवानी तक जहाँ पर वो अभी बैठा है। तो ये अब जो होगा ड्रामेटिस्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि उसने किस तरह से अनफोल्ड करना है, या वो अभी से ही शुरू करेगा सिचुएशन को, लेकिन अगर वो ऑडियंस को एक बैकग्राउंड बताना चाहता है, एक चीज़ समझाना चाहता है आ रहा है कि इन चीज़ों की वजूहात क्या थी, तो वो थोड़ा पीछे से लेके जाएगा, तो वो क्या करेगा, या तो स्टोरी ही पीछे से शुरू करेगा कि पीछे से ऐसे ऐसे चल रहा था, ठीक है, या फिर वो मेमोरी में लेके जाएगा कि वो एक विजुलाइज कर रहे हैं, एक चीज़ को देख रहे हैं कि ऐसे जो है वो बचपन था और ये कुछ हुआ था एंड ऑल दैट। ठीक है,
अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अच्छा जो स्टोरी है, अगर हम इसको डिफरेंस अगर आपका आ जाता है, सिर्फ 2 मार्क्स का डिफरेंस आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड प्लॉट, तो आप इतनी सी बात लिख सकते हैं जो पहले मैंने आपको बताया, स्टोरी कुड इजीली बी अ शेपलेस एंड अनऑर्गेनाइज्ड थिंग एंड इट कैन बी टेकन फ्रॉम एनी सोर्स. ऑल्सो यू कैन राइट विद इट इज स्टोरी इज अ नरेटिव ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन देयर टाइम सीक्वेंस. ठीक है, ए प्लॉट इज ऑल्सो अ नरेटिव ऑफ इवेंट्स द एम्फेसिस फॉल्स ऑन कॉजेलिटी. प्लॉट में क्या होगा, आपका आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ज़रूरी है आपका, कि आपकी जो है जो इनेविटेबिलिटी होती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ. ठीक है, वो चीज़ वो आपकी ज़रूर होनी चाहिए. ई एम फॉस्टर ने कहा था. ठीक है, एक स्टोरी में आपको सिर्फ बता दिया कि ऐसे 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 था, और प्लॉट में डिसाइड हुआ कि किस तरह से बताया जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि प्लॉट जो है वो बेसिकली होता है कि ये करता है कि एक जो वेग और कंफ्यूज मटेरियल होता है, इसको शेप देता है इनटू अ डेफिनेट फॉर्म. ठीक है, प्लॉट इन्वॉल्व्स आर्टिस्टिक सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग ऑफ द कियोटिक मटेरियल ऑफ लाइफ. ठीक है, जिसमें आपकी क्या हो कि इनएविटेबिलिटी हो आपके इवेंट्स में जो आप बता रहे हैं, इंसिडेंट्स प्रोबेबिलिटी हो, नेसेसिटी हो. ठीक है, और आपकी जो हर इवेंट है वो लॉजिकली कनेक्टेड हो. अच्छा, उसके बाद अगर हम ऑर्गेनिक यूनिटी की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक यूनिटी भी यही है कि आपका जो प्लॉट है वो इट शुड बी सच दैट द रिमूवल और ट्रांसपोजल ऑफ एनी पार्ट वुड डिस्ट्रप्ट और डिसलोकेट दी होल. कि अगर आपकी कोई भी इवेंट बीच में से निकाल दिया जाए या इधर उधर कर दिया जाए, तो क्या होगा कि आपको समझ नहीं आएगी और वो पूरी स्टोरी को ख़राब कर देगा. ये होता है ऑर्गेनिक यूनिटी. जिस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर ऑर्गन अपनी एक स्पेसिफिक स्पेस पे अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है. ठीक है, वो उसका काम है, उसने अपना फंक्शन वहीं से ही करना है, वहीं पर करना है. किडनी की जगह लिवर नहीं लगाया जा सकता, लिवर की जगह स्टोमिक या हार्ट नहीं लगाया जा सकता. हर एक चीज़ ने अपनी जगह पर काम करना है. उसी तरह प्लॉट में भी हर इंसिडेंट इवेंट ने अपनी अपनी जगह पे ही होना चाहिए है, तभी उसमें वो एक ऑर्गेनिक यूनिटी यही होती है कि आपका वो हर चीज़ जो है वो अपनी एक सही जगह पे मौजूद हो. ठीक है, और प्लॉट, अरिस्टोटल ने जो सबसे ज़्यादा इसके बारे में बात की, उसने कहा कि प्लॉट को एपिसोडिक नहीं होना चाहिए. एपिसोडिक से क्या मतलब है, आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ एन एपिसोडिक प्लॉट. आप सीधी बात कहेंगे एपिसोडिक प्लॉट होगा जिसमें एपिसोड्स होंगी, एक्ट्स होंगे एंड ऑल दैट. अब एपिसोडिक प्लॉट होता क्या है, बाय एपिसोडिक प्लॉट इट इज़ मेंट अ सेट ऑफ इवेंट्स और इंसिडेंट्स और सिचुएशंस विच आर नॉट कॉजली कनेक्टेड विद वन एंड अदर. एपिसोडिक प्लॉट वो होता है जिसमें जो आपके सारे इंसिडेंट्स होती हैं, जो सिचुएशंस होती हैं, वो उनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता. उनका जो एक इनेविटेबिलिटी, एक जो इफेक्ट है वो उनमें नहीं होता. मतलब एक बेजोड़ सी चीज़ों को जोड़ दिया जाता है कि सिरे से सिरा मिल नहीं रहा. ठीक है, आप कह रहे हो ये क्या अभी यहाँ था अभी वहाँ हो गया, हमें समझ ही नहीं है. ऑडियंस को समझना मुश्किल हो जाता है कि जब सिरे से सिरा ना मिल रहा हो, दैट इज़ एन एपिसोडिक प्लॉट. और एपिसोडिक प्लॉट को अरिस्टोटल ने बहुत ज़्यादा, मतलब वो इसके अगेंस्ट था. ही स्ट्रॉन्गली रिएक्ट्स अगेंस्ट एपिसोडिक प्लॉट. उसने कहा कि नहीं होना चाहिए. क्यों, और एपिसोडिक प्लॉट में उसने कहा कि जो रिमूवल ऑफ एनी इवेंट जो होता है वुड नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन द प्ले. ठीक है, उस पर कोई असर नहीं होगा. एपिसोडाइजिंग जो है, लेकिन एपिसोडाइजिंग जो है वो एक अलग चीज़ है. एपिसोडिक प्लॉट एक अलग चीज़ है और एपिसोडाइजिंग एक अलग चीज़ है. एपिसोडाइजिंग होता है कि जब एक जो ड्रामाटिस्ट होता है वो एपिसोडाइज करता है, वो डिफरेंट एक चीज़ों में उसको डिवाइड करता है पार्ट्स में. ठीक है, ये एक अलग इंसिडेंट है, ये ऐसे है, ये ऐसे, फिर उसको वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखता है, इनएविटेबिलिटी देखता है, नेसेसिटी देखता है, लॉजिकलिटी देखता है, वो इन सारी चीज़ों को देख के उसको लॉजिकली कनेक्ट करता है. ठीक है, कि कौन सी चीज़ किसके साथ लॉजिकली कनेक्ट हो रही है. सिरे को सिरे से जोड़ना, सही सिरे से जोड़ना, ये नहीं कि एक बेतुका सा एक बना दो, तो वो उसको करता है. दैट इज़ कॉल्ड एपिसोडाइजिंग. ठीक है, ये एक इसेंशियल एक्टिविटी है एक प्लॉट के लिए. ठीक है, फॉर द मेकर ऑफ द प्लॉट, फॉर द पोइट. इट और इसके लिए क्या चाहिए होता है, इट रिक्वायर्स सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ मटीरियल. क्या चाहिए होता है एक प्लॉट के लिए, प्लॉट के लिए सबसे पहले चाहिए होता है एपिसोडाइजिंग, फिर उसके लिए चाहिए होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ मटीरियल, फिर उसके लिए चाहिए होता है रिजेक्शन ऑफ एनीथिंग इररेलीवेंट. ठीक है, कोई भी चीज़ अगर इररेलीवेंट है तो वो
ना रही, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास आते हैं पार्ट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्लॉट। हमारे पास पार्ट्स कौन कौन से हैं? हमारे पास सबसे पहला पार्ट आता है हमार्शिया। हमार्शिया क्या होता है, ठीक है? हमार्शिया होता है एरर ऑफ जजमेंट। ये जब भी पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि हमार्शिया इज़ एरर ऑफ जजमेंट, ठीक है। और ये किसके पार्ट पे होता है? हम अगर आपने मेरी पहली पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि कौन सी चीज़ किसके पार्ट पे है। हमार्शिया जो है ये एक हीरो के ऑन द पार्ट ऑफ हीरो होता है, हीरो में एक एरर है, ठीक है। ये हमार्शिया दैट इज़ एरर ऑफ जजमेंट। इट इज़ द इंटर रिलेशन बिटवीन पेरिपिटी एंड डिस्कवरी, ठीक है। पेरिपिटी कहते हैं रिवर्सल ऑफ सिचुएशन को, और डिस्कवरी कहते हैं, इन एग्नोरेसिस का नाम है डिस्कवरी, जब आप कुछ जो डिस्कवर करते हो, कोई चीज़ आपको पता चलती है, डिस्कवर द ट्रूथ, ठीक है, दैट इज़ हिडन फ्रॉम यू। जो डिसास्टर आता है हमार्शिया से, इट कैन बी स्टॉप्ड इफ़ डिस्कवरी कम्स इन टाइम। अगर आप एक सही जो सच है वो पहले डिस्कवर कर लेते हो तो क्या होता है, आप इस हमार्शिया से बच जाओगे, ठीक है। जो हमार्शिया आता है आप उससे थोड़ा सा बच सकते हो, क्योंकि आप जो एरर ऑफ जजमेंट है, आप जहाँ पे गलती कर रहे हो, आप जहाँ पे एरर ऑफ जजमेंट कुड बी एनीथिंग ना, इट कैन बी योर ओवर कॉन्फिडेंस, आपका ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, या आपकी क्यूरियोसिटी हो जाती है, या आपका बे इंतहा सेल्फलेस किस्म का प्यार हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी एरर ऑफ जजमेंट में आती हैं, ठीक है। अब जिस तरह ये क्यूरियोसिटी थी, ये एक अच्छा दिखाने के लिए अपने लिए एक, अगर हम ईडिपस रेक्स की बात की जाए, ईडिपस रेक्स इज़ द बेस्ट ट्रेजेडी, ठीक है। तो अगर हम उसके लिए बात करते हैं तो ईडिपस रेक्स में उसका एरर ऑफ जजमेंट क्या था, उसका हमार्शिया क्या था? एक तो उसका ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैंने तो ढूंढ ही रहना भाई जिसने मर्डर किया बादशाह का। एक उसका अच्छापन दिखाने का कि मैं बड़ी कोई, मैंने जो फिनिक्स वाला मसला भी हल कर लिया था, अब मैं ये वाला मसला भी हल कर लूँगा, ठीक है, मैं बादशाह के मर्डरर को ढूंढ के रहूँगा। बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, अपने आप को जो है वो एक अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहा था। एक उसकी क्यूरियोसिटी थी, बहुत क्यूरियस था कि मैं ढूंढूं कि किसने किया है बादशाह का मर्डर, किसने किया, और एंड पे निकला क्या, उसका ये एरर ऑफ जजमेंट उसी के ही ऊपर आ गया, और वो उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा और वो वही निकला, और उसको बल्कि ये भी सच पता चल गया। उसके बाद एनग्नोरिसिस जो उस पर हुआ, दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ अ हिडन ट्रूथ, वो ये हुई कि वो उसका बाप था, और जिसके साथ उसने शादी की हुई है अभी, वो उसकी अपनी माँ है, ठीक है। तो ये चीज़ उसके साथ हुई। अगर मैं आपको बात समझाऊँ, हमने जो ड्रामा भी देखा, मेरे पास तुम हो, यही था शायद वो दानिश और शहवार और पता नहीं क्या नाम था उसका लड़की का, आयजा खान का, तो अगर महविश, तो अगर हम इसको देखें तो उसमें एरर ऑफ जजमेंट उसका दानिश का क्या है? दानिश का एरर ऑफ जजमेंट है कि उसका एक सेल्फलेस प्यार है, ठीक है, उसकी एक कि उस वो नहीं, वो उससे प्यार किए बगैर रह नहीं सका, ठीक है। वो उस पर भरोसा किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, और एंड पे वो क्या है, वो चीज़ तकलीफ तो उसी को दे रही है ना, महविश को तो तकलीफ नहीं दी ना उसने, ठीक है। दैट इज़ हिज एरर ऑफ जजमेंट ऑन हिज पार्ट, ऑन द पार्ट ऑफ हीरो, ठीक है। और हमार्शिया जो है, हमार्शिया जब एक हो जाता है आपका एरर ऑफ जजमेंट, इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन पेरिपिटी। पेरिपिटी इज़ कॉल्ड रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, ठीक है, आपकी सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। जैसे ईडिपस की सिचुएशन, ईडिपस जो है वो बहुत ज़्यादा एक वो ब्लाइंड हो गया, ठीक है, वो अपनी एक बिल्कुल एक तन्हाई में, आइसोलेशन में चला गया और पहाड़ों पर जाकर रहने लग गया, एंड वॉट एवर हैपन विद हिम, ठीक है, वो चीज़ हो गई। ये सारा कुछ जो है ये हमार्शिया रिजल्ट करता है पेरिपिटी में। अब पेरिपिटी क्या होती है? पेरिपिटी इज़ बेसिकली द रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, इट इज़ द ट्रेजिक डीड, एंड इट इज़ ए पार्ट ऑफ अ प्लॉट। हमार्शिया था ऑन द पार्ट ऑफ हीरो, ठीक है, और ट्रेजिक डीड है आपकी पार्ट ऑफ अ प्लॉट। और ये क्या करती है, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट चेंज विच लीड्स टू क्राइसिस इन द प्ले। अब ये आयरनी ऑफ सर्कमस्टेंसेज ब्रॉट अबाउट बाय ह्यूमन मिस जजमेंट, मिस कैलकुलेशन और ब्लंडर, कि इंसान जो है वो मिस जजमेंट करता है, मिस कैलकुलेशन करता है, या कोई ब्लंडर, कोई गलती कर देता है, उसका रिजल्ट क्या होती है, वो पेरिपिटी होती है उसका रिजल्ट। और ये क्या करती है, एक सिग्निफिकेंट चेंज लाती है आपकी फॉर्चून में, ठीक है, आपकी किस्मत में। वो अमीर से, एक बादशाह से बिल्कुल एक गदागर बन गया ईडिपस रेक्स, ठीक है, ये है। और अगर हम दानिश और शहवार वाले किस्से में लें, मेरे पास तुम होके, तो उसमें जो पेरिपिटी है, वो दानिश तो बेचारा, वो उसका स्टॉक एक्सचेंज का काम बहुत अच्छा निकल गया, लेकिन उसकी जगह शहवार पे पेरिपिटी आ गई, उसकी रिवर्सल ऑफ सिचुएशन खलीलुर रहमान कमर ने दिखा दिया कि वो बेचारा जेल में चला गया, ठीक है, दैट इज़ पेरिपिटी। और ये हमारी होती है प्लॉट में, ठीक है, एक रिवर्सल ऑफ सिचुएशन होती है। अच्छा, ये होता यह कि आइडियल ट्रेजेडी, जो इन अरिस्टोटल ने कहा, उसने कहा आइडियल ट्रेजेडी इज़ वन इन विच द रिवर्सल ऑफ सिचुएशन हैपन्स
थ्रू द गुड इंटेंशंस ऑफ फ्रेंड और किन्समैन ऑफ द हीरो प्रोड्यूसिंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज इंटेंडेड. ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको ऑडियंस में फियर भी पैदा करना है और आपको ऑडियंस में पिटी भी पैदा करना है. उनको बेचारों को तरस भी है और उनको डर भी लगे. ठीक है, वो ऐसे होता है कि अब जैसे ईडिपस रेक्स के साथ जो कुछ हुआ, ईडिपस तो अपनी गुड इंटेंशंस में कर रहा है, वो बेचारा बुरा कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन उसके साथ हो बुरा रहा था. ठीक है, आप सेम चीज़ दानिश के साथ देखें तो दानिश बुरा कुछ नहीं कर रहा था, वो उस पर ट्रस्ट कर रहा था, वो उसको प्यार कर रहा था. इवन वो डिवोर्स वाले दिन भी वो उसको जो है वो बिल्कुल उसके लिए सारा कुछ कर करा रहा है, और वो इसलिए कि वो उससे प्यार करता है, उसकी इंटेंशन अच्छी है. और उसकी इंटेंशन अगर वो उसको कहता है दफ़ा हो जाओ, ये करो वो करो, हमें तो दानिश पे तरस ही ना आता, हम तो रोते ही ना ना, तो ऐसे हमें तरस उस पर क्यों आ रहा था, पिटी एंड फियर वाली कंडीशन सिचुएशन क्यों थी, क्योंकि दानिश उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा था, उसकी इंटेंशंस गुड थी, लेकिन उसके साथ हो बुरा रहा था, जैसे ईडिपस के साथ बुरा हुआ. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनग्नोरिसिस, दैट इज़ द डिस्कवरी, और ये लैक ऑफ नॉलेज होता है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ करेक्टर. ठीक है, इट इज़ द ट्रांजिशन फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज. आप इग्नोरेंट होते हो, आपको पता कुछ नहीं होता, और फिर आप नॉलेज में आती है आपके कोई चीज़, रिकग्निशन ऑफ ट्रूथ और द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन और द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन. ठीक है, आपको कोई चीज़ें पता चलती हैं. पेरिपिटी और डिस्कवरी जो हैं वो ट्रेजेडी में किसी भी मौके पे आ सकती हैं, जैसे वो अलग अलग भी प्लॉट में रखी जा सकती हैं, कि पेरिपिटी किसी एक इंसिडेंट या सिचुएशन में बयान हो और उसके बाद डिस्कवरी कहीं और हो, और ये इकट्ठी भी जो है वो ट्रेजेडी और अकर हो सकती हैं साइमल्टेनियसली. और क्या करेंगे अगर ट्रेजेडी और अगर एनग्नोरिसिस और पेरिपिटी जो हैं इट अकर साइमल्टेनियसली, इट विल हाइटन द ट्रेजिक इफेक्ट. ठीक है, लेकिन हर चीज़ क्या होनी चाहिए, प्रॉबिलिटी एंड नेसेसिटी का इफेक्ट लाजमी होना चाहिए, कि आपके जो इंसिडेंट और सिचुएशंस हैं वो उनमें प्रोबेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, और वहाँ पे ज़रूरत भी हो कि ये चीज़ को अब खुलना चाहिए राज को. अच्छा, अब मैं आपको बताऊँगी टाइप्स ऑफ डिस्कवरी की. ये जो एनग्नोरिसिस है इसकी 6 टाइप्स हैं. ठीक है, आपको ये लिखनी पड़ेंगी, आप लिख लें. टाइप्स ऑफ डिस्कवरी होती है हमारे पास, सबसे पहली टाइप है रिकग्निशन बाय मींस ऑफ साइंस और मार्क्स, कि आपका कोई बर्थ मार्क है या आपके पास कोई नेकलेस है या किसी के मतलब किसी के थ्रू आप किसी की आइडेंटिटी को जान लेते हो कि ये तो मेरा बेटा है या ये मेरा ये था एंड वट एवर द रिलेशन इज. ठीक है, तो कोई स्कार होता है उससे आप पहचान लेते हो. आर्बिट्रेरली इंड्यूस्ड बाय द पोइट, मतलब पोइट जो है, जो ड्रामाटिस्ट है, वो बाय चांस या विदाउट रीजनिंग, विदाउट प्रोड्यूसिंग अलॉजिकलिटी, वो जो है वो आपके सामने कोई सच को ले आता है. ये दूसरी हो गई. तीसरी है आपके पास डिस्कवरी थ्रू मेमोरी, के जो जिसको याद नहीं है, जो बंदा इग्नोरेंस में है, जिसको अभी नहीं पता, हीरो है, तो उसको क्या आता है, उसको याद आ जाती है, उसकी मेमोरी वापस आ जाती है, उसको याद आ जाता है कि ये मेरे बचपन में ऐसा ऐसा वाक्या हुआ था, अभी ये दिल मेरा में ऐना को भी याद आ गया है ना कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, और ये सारे उसके विजन्स नहीं थे बल्कि रियल में उसके साथ हुआ था. ठीक है, फोर्थ आपके पास टाइप्स ऑफ डिस्कवरी होगा डिस्कवरी थ्रू प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, कि आपके जो पोइट है, जो ड्रामाटिस्ट है, वो लॉजिकली इवेंट्स को कनेक्ट करे और लॉजिकली आप तक एक सच को पहुंचाए. ठीक है, जिस तरह ईडिपस रेक्स के पास सच पहुंचा कि वो किस तरह से ढूंढ रहा था एक सच को, उसको फिर वो उसके जो बाप है वो मर गया. ठीक है, फिर उसे पता चला कि नहीं, इसने तो मुझे सिर्फ पाला था, बेसिकली मैं इसका बेटा था, जो भी उसे पता चला. ठीक है, वो उसको लॉजिकली पता चला, एक एक परत, एक एक लेयर खुली और फाइनली ईडिपस रेक्स को अपनी सच्चाई पता चल गई. ये थी लॉजिकली ड्रामाटिस्ट ने जो है वो उसके सामने रखी सच्चाई. फिर डिस्कवरी थ्रू बैड रीजनिंग, ये होता है बैड रीजनिंग, आप कह सकते हैं कि फॉल्टी रीज़न, कोई आप जो है एक फैलेसी के थ्रू, लॉजिकल फैलेसी के थ्रू, कि आपको जो दूसरी पार्टी जो है, दूसरा बंदा जो है, जो आपका दुश्मन है या किसी तरह सा है, वो आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन रखता है कि आप खुद जान लेते हो कि ये मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है और मुझे इसके सच तक पहुंचना चाहिए है, और मैं जो है वो आप उसकी वो जो धोखादही है, आप उसकी जो गलतियां हैं, जो उसका एक लूज प्लॉट वो आपके सामने एक गलत तस्वीर पेश कर रहा है, आप उसमें से सच निकालने की कोशिश करते हैं, दैट इज डिस्कवरी थ्रू बैड रीजनिंग. ठीक है, उसके बाद छठी आपके पास 6 टाइप आती है टाइप ऑफ डिस्कवरी, नेचर ऑफ इंसिडेंट्स प्रोवाइड डिस्कवरी,
कि इस तरह के इंसिडेंट आपके ऊपर जो है वो पैदा कर दिए जाते हैं, जो मैकेनिकल आर्टिफाइसेस जो हैं वो आपके सामने रख दिए जाते हैं, जो आपको पता चल जाता है कि ये क्या किस तरह से हुआ था। आप अपनी सच्चाई तक, एक जो आप जो आइडेंटिटी या कोई सच अगर आपसे छुपा दिया गया था तो आप उस तक पहुँच जाते हो। ठीक है, ये हमारे पास 6 टाइप्स थी डिस्कवरी की। उसके बाद हमारे पास चौथा पार्ट आ जाता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट का, दैट इज़ सफरिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट प्लॉट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सफरिंग के लिए, सफरिंग दिखाई जाएगी तो पिटी एंड फियर होगा ना। और ट्रेजेडी का मकसद क्या, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी? द फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी इज़ टू अराउज पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस। ठीक है, तो बिल्कुल यही बात है। तो सफरिंग जो है वो तो दिखाई जानी है, लेकिन अरिस्टोटल ने कहा कि सफरिंग दिखाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप गला कटता दिखा दो, आप उसको अपनी आंखों में ब्रोच मारते हुए दिखा दो। डू नॉट शो दैट ऑन स्टेज। आप इंसिडेंट्स के थ्रू आप इस तरह से चीज़ें शो कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपने ये सारा कुछ स्टेज पे ही दिखाना है। ठीक है, सीन्स ऑफ सफरिंग हैज़ अ पार्ट इन ट्रेजिक प्लॉट। द ट्रेजेडी ऑफ सफरिंग डिपेंड्स ऑन द सीन्स ऑफ सफरिंग सच एज मर्डर एंड वोंडिंग एक्सेट्रा, बट दीज मस्ट अराइज नेचुरली इन द कोर्स ऑफ एक्शन एंड नॉट बी प्रेजेंटेड मेयरली फॉर इफेक्ट। ठीक है, अरिस्टोटल ने कहा कि ट्रेजिक इफेक्ट मस्ट बी क्रिएटेड थ्रू द नेचुरल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, दे शुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली और थ्रू मैकेनिकल एड्स। कि वो आप उधर स्टेज पर प्रेजेंट करना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आपने ये करते ही दिखाना है इन सारी चीज़ों से। ठीक है, रूह अफजा गिरा के और वो ब्लड आप दिखा रहे हैं एंड ऑल दैट, तो आप सिर्फ दिखा बता दो कि ये हुआ है और वो बंदा आए और वो मतलब आपको पता चले, जिस तरह कोरस के थ्रू बताया जाता है। कोरस आपको बताता है कि ये वबा फैल गई और इतने लोग मर गए। कोरस आपको बताता है कि उसने अपनी आंखों में ब्रूच मार के अपने आप को अंधा कर लिया, उसने अपने आप को लटका लिया और खुदकुशी कर ली। ठीक है, ये सारा कुछ होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डिवीजन कैसे हुई ट्रेजिक प्लॉट की। ट्रेजिक प्लॉट को डिवाइड किया गया दो हिस्सों में। वो दो हिस्से कौन से हैं? पहला हिस्सा है कॉम्प्लिकेशन एंड द सेकेंड पार्ट इज डिनोमेंट। अब कॉम्प्लिकेशन क्या है? बाय कॉम्प्लिकेशन, अरिस्टोटल की बात बता रही हूँ, अरिस्टोटल ने खुद कहा बाय कॉम्प्लिकेशन आई मीन All from the beginning of the point just before the change in the hero's fortune. Peripety आने से पहले पहले तक जितनी सिचुएशन है, from the beginning of the play till the peripety comes, वहाँ तक आपके पास जो पार्ट होता है, जो एक प्ले चल रहा होता है, that is the complication. And by denouement, all from the beginning of the change to the end. Peripety जब आ गई, एक change of fortune हो गई, ठीक है, उसके बाद से एंड तक जो आपकी ये ट्रेजेडी ख़त्म होगी, एंड ऑफ द प्ले, वो जो हिस्सा है वो कहलाता है डिनोमेंट। ठीक है, अच्छा यही है, ये आपके पास ये सिर्फ इतना सही है कि आप डेफिनेशंस जो हैं वो लिखते हैं। जैसे ईडिपस रेक्स की पेरिपेटी रिवर्सल ऑफ सिचुएशन जो है वो सारा कुछ आता है। ठीक है, वो आपके पास कॉम्प्लिकेशन होगी और जब वो चला गया अपनी आइसोलेशन में तो वो सारा कुछ जो है वो आपका डिनोमेंट हो गया। ठीक है, और वो कह रहा है कि गॉड्स शुड इंटरवीन ओनली वेयर इट बिकम्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन द पास्ट और अनाउंस फ्यूचर इवेंट्स एक्सटर्नल टू एक्शन। कि गॉड्स को तभी इंटरवीन करना चाहिए जबकि नेसेसरी हो, मतलब ऐवें ही हम गॉड का कुछ ना कुछ डाली जाएँ कि बाय चांस हो गया, ये गॉड ने ऐसा कर दिया या ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो वो एक ऑडियंस उससे रिलेट नहीं कर सकी, कि ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगी, तो वो चीज़ हमें नहीं लेनी चाहिए और ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा पोइट के बारे में उसने क्या कहा है? अरिस्टोटल ने ड्रामाटिस्ट के लिए ही यूज्ड द टर्म पोइट। ठीक है, पोइट मींस मेकर। ठीक है, उसने पोइट क्यों कहा ड्रामाटिस्ट को? क्योंकि पोइट मींस मेकर। ठीक है, पोइट इज़ अ मेकर ऑफ अ प्लॉट एंड नॉट ऑफ अ स्टोरी। क्योंकि ड्रामाटिस्ट स्टोरी तो कहीं से भी ले लेगा ना, किसी गॉड्स गॉडेसेस की स्टोरी ले लेगा या किसी अपने साथ वाले नेबर्स में या कहीं पे उसने कोई फोक टेल सुनी होगी स्टोरी, तो वो थीम तो वहाँ से भी ले लेगा ना सब्जेक्ट। लेकिन क्या करेगा, वो उसको फिर एपिसोडाइज करेगा, अरेंज करेगा, लॉजिकली कनेक्ट करेगा। ठीक है, उसको एक लेके चलेगा, वो क्या करेगा, वो पोइट करेगा हु इज़ द मेकर ऑफ अ प्लॉट। ठीक है, अब जो प्लॉट पोइट्स जो हैं वो थ्री पॉसिबल मीनिंग्स ऑफ पोइट कैन बी, वो कह रहा है कि तीन पॉसिबल मीनिंग्स हैं पोइट के। वो क्या मीनिंग है? पोइट इज़ अ मेकर ऑफ एनीथिंग। दूसरा मीनिंग पोइट का हो सकता है वन हु मेक्स वर्स ऑन एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, वो भी पोइट होता है। तीसरा मीनिंग है, वो कहता है वन हु मेक्स अप क्रिएटिव लिटरेचर इन वर्स, जो क्रिएटिव लिटरेचर बनाए
वर्स में वो भी पोइट होते हैं। अरिस्टोटल कहता है आई वुड प्रेफर द सेकेंड वन, वन हु मेक्स वर्स ऑन एवरी, अरिस्टोटल कहता है कि आई वुड प्रेफर द थर्ड वन हु इज़ वन हु मेक्स अप क्रिएटिव लिटरेचर इन वर्स, जो क्रिएटिव लिटरेचर को बनाए वर्स फॉर्म में, हु कैन बी अ पोइट। और अरिस्टोटल ने प्रेफर किया इसी मीनिंग को, और इसीलिए उसने कहा पोइट इज़ अ मेकर, ठीक है। ही कैन नॉट बी अ मेकर ऑफ एनीथिंग बिकॉज पोइट इज़ नॉट अ मेकर ऑफ स्टोरी, ही इज़ मेकर ऑफ अ प्लॉट, ठीक है। एंड ही इज़ नॉट अ मेकर, ही इज़ नॉट अ मेकर हु मेक्स वर्स ऑन एवरी सब्जेक्ट, पोइट कैन नॉट मेक्स वर्स ऑन एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। उसने कहा इसलिए पोइट क्या करेगा, ही कैन मेक अप क्रिएटिव लिटरेचर इन एवरी इन वर्स फॉर्म, सो ही कैन बी अ पोइट। तो ये हमारे पास ट्रेजिक प्लॉट की कुछ चीज़ें थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। मेरा चैनल अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोज़ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड लाइक दैम एंड प्लीज़ लाइक माई फ्रेंड्स पेज इफ़ यू वॉन्ट टू गेट अपडेट्स अबाउट योर सराउंडिंग्स अबाउट वट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड अराउंड द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।